अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवाद बशीर, आप देख रहे हैं जवाद की दुनिया। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन दोस्तों के लिए जो रिसेंटली यहां पे यूके में ओवरसीज से या फिर लोकली जिन्होंने वीजा स्विच किया है स्किल वर्कर वीजा में। तो स्किल वर्कर वीजा वालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी खुशखबरी है जी यूके इमिग्रेशन की तरफ से। और आज की वीडियो में आप दोस्तों के साथ दो ऐसी चीजें डिस्कस करने जा रहा हूं जिनकी बेस पे आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं यूके में और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल भी कर सकेंगे। जो दोस्त स्किल वर्कर वीजा पे हैं और अपने एम्प्लॉयर से किसी बारे से खुश नहीं, इन्हें पे जो है वो टाइम पे नहीं दी जाती या उनके जो वीकली आवर्स है वो उनको नहीं मिल रहे, किसी न किसी वाले से वो अपने एम्प्लॉयर से खुश नहीं है, तो आज की वीडियो हम दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस शॉर्ट सी वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी आप इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना कर दें। वीडियो के दर्पण इस पर मैं आप दोस्तों के साथ एक छोटी सी अपडेट शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि मैंने भी रिसेंटली अपना व्लॉगिंग चैनल भी क्रिएट किया है। जो दोस्त व्लॉगिंग वीडियो में इंटरेस्टेड है आप वो चैनल भी विजिट कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे इस चैनल के आपको होम पेज पे मैंने लिंक किया हुआ, वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलते हैं आज वीडियो तरफ, देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी दो चीजें हैं जो आप दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। बहुत से दोस्त जानते होंगे स्किल वर्क वीजा के हवाले से जो सैलरी थ्रेशोल्ड था वो 4 अप्रैल से बढ़ाकर 38,700 कर दिया गया है। जिन दोस्तों ने 4 अप्रैल से पहले ही अपना वीजा स्विच कर लिया था वो तो बहुत लकी थे, उनकी जो सैलरी थ्रेशोल्ड जो पुराना था 26,200 वही रहेगा। लेकिन जिन दोस्तों ने 4 अप्रैल के बाद चेंज किया या चेंज करने जा रहे हैं उनका जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो 38,700 होगा। तो ये बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा उन दोस्तों के लिए जिनके पास स्किल्स नहीं होती, जो स्किल आपके पास होनी चाहिए, आपके पास ऐसी स्किल नहीं होगी जो कि आपको 38,700 जो सैलरी है वो आपको दिला सके। तो ये बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है फ्यूचर में, बल्कि ये टफ हो चुका है। अगर आप अपना वीजा स्विच करना चाह रहे हैं तो आपकी जो सैलरी तय छोड़े मिनिमम वो 38,700 होनी चाहिए। चलें ये तो एक होगी अपडेट स्किल वर्क वीजा के हवाले से। अब ये बात कर लेते हैं कि आपने अपना वीजा स्विच कर लिया, आप किसी भी एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप किसी भी कैटेगरी में काम कर रहे हैं, आप आईटी में है, कंस्ट्रक्शन फील्ड में है, केयर में है, कोई भी आप फाइनेंस कोई भी आप जॉब कर रहे हैं, तो अभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये अनाउंस की गई है यूके इमिग्रेशन की तरफ से कि आपको 20 आवर्स एडिशनल आप किसी भी सेक्टर में काम कर सकते हैं। और इसमें एक और अच्छी बात यह है कि उसमें उन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि आप कौन से सेक्टर में काम कर सकते हैं और कौन सेक्टर्स में नहीं काम कर सकते। उसके अलावा आप अपना बिजनेस भी सेटअप करना चाहते हैं तो उस हवाले से भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप अपना बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये कंडीशन सिर्फ यही है कि आपने अपना जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर होगा आपने उसको नहीं छोड़ना, आपने उसके साथ काम करते रहना, क्योंकि वो आपका प्राइमरी रोल वो होगा और सेकेंडरी में आप कोई भी आप जॉब कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ दोस्तों के लिए, जो भी लोग यहाँ पे स्किल वर्कर वीजा पे हैं आप वो 20 आवर्स कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप किसी और कैटेगरी में काम कर सकते हैं, जहां भी आप काम करना चाह रहे हैं फ्री हैं, आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं। या मैं आप दोस्तों के साथ से 2 बिजनेस स्टेज करने जा रहा हूं जिनको आप अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो आप फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर आप अपने एम्प्लॉयर से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आप वो भी जान छुड़ा पाएंगे। उसमें सबसे पहले जो बिजनेस मैं आपको दोस्तों को सजेस्ट करना चाहूंगा वो है जी ई कॉमर्स। यहाँ पे आपके पास अमेजोन ईबे की ऑप्शन आ जाती है, आप इनके साथ आप होलसेल भी कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग है, और उसके अलावा आप प्राइवेट लेबल अपना भी प्रोडक्ट कोई लॉन्च कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो फ्यूचर है वो ई कॉमर्स का, अगर आप अभी से अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देंगे तो आई एम श्योर आप अपना बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश कर लेंगे, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा फायदा देगा। उससे सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि आप खुद अपने आप को स्पॉन्सर कर सकेंगे। इसको हम सेल्फ स्पॉन्सरशिप भी कहते हैं, जिस हवाले से मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि आप अपने बिजनेस को डेवलप करके अपने आप को कैसे स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप अपने एम्प्लॉयर से कुछ नहीं है, किसी वाले से आपको कोई प्रॉब्लम है, तो इस तरह आप अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करके अपना जो वीजा वो आप स्विच कर पाएंगे जी। अगर सेकेंड ऑप्शन की बात करें वो है जी कंसल्टेंसी फर्म के, आप अपनी जो कंसल्टेंसी फर्म बना सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूके की जो मार्केट है वो बेसिकली बेस कर रही है जी सर्विसेज पे। अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है जिसको आप यूज करके यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट किस्म की सर्विसेज हो सकते हैं। आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उसको हेल्प कर सकते हैं, उसका बिजनेस डेवलप करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं अपने, आपके पास कोई बिजनेस के हवाले से कोई आइडियाज है तो वो आप सेल आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास वीजा के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप वीजा कंसल्टेंसी भी बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है जिस पे आपको ग्रिप है, आप कॉन्फिडेंट है और समझते हैं आप सेल कर सकते हैं, तो आप इस चीज को भी जरूर अवेल करें। तो आई एम श्योर अगर आप ये दो बिजनेसेस यहाँ पे डेवलप कर लेते हैं तो आपका अच्छा खासा आप फ्यूचर आपका स्केल हो जाएगा और आप अपने एम्प्लॉयर से भी जान छुड़ाने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों ये थी कुछ अपडेट स्किल वर्क वीजा वाले से और कुछ अपॉर्चुनिटीज जो मेरे माइंड में थी और मैंने सोचा क्यों ना आप दोस्तों के साथ शेयर की जाए। आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
सकते हैं। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।